हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको घर पर झटपट बनने वाली खुरमी बताऊंगी, जिनका टेस्ट बिल्कुल बिस्किट की जैसे लगता है। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट बनती हैं। खुरमी बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। एक कटोरी यहाँ पर मैंने मैदा लिया है, आधा कटोरी शक्कर ली है और ये दो चम्मच घी लिया है। अब हम इसका डो बनाते हैं। डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है, इसमें हम मैदा डाल देंगे, इसी के साथ ये शक्कर डाल देंगे। शक्कर को मैदा के साथ अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और इसमें घी डाल देंगे। अब इसको भी मिक्स कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक गिलास पानी लिया है, हम थोड़ा थोड़ा करके इसको गूंथ लेंगे। पानी थोड़ा ही थोड़ा डालना है क्योंकि ये मैदा है। ये देखिए, हमारा डो बनकर तैयार है। अगर आप दो कटोरी मैदे की खुरमी बनाते हैं तो यहाँ पर आप एक कटोरी शक्कर लीजिएगा और चार चम्मच घी लीजिएगा। तो चलो हम खुरमी बनाते हैं। ये देखिए, इसको हम इस तरह से गोल कर लेंगे। आपकी सहायता से गोल कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक चौकी लेंगे, उस पर इसको रख देंगे और बेलन की सहायता से इसको हल्के हाथ से प्रेस करके बेल लेंगे। न ज़्यादा पतला बेलना है न ज़्यादा मोटा बेलना है, मीडियम साइज का इसको हम बेल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसको बेल लेंगे, ना ज्यादा पतला है ना ज्यादा मोटा। देखिए, अब इसको हम कट कर देंगे। एक नाइफ की सहायता से इसको इस तरह से कट लगा देंगे। नाइफ में थोड़ा सा घी लगा लीजिए जिससे ये अच्छे से कट हो जाता है। छोटे ही पीस में हम इसको कट करेंगे। आप चाहें तो एक एक पीस भी काट सकते हैं। देखिए, ऐसे काटने के बाद ये चौकी को हम इस तरह से करके इसमें कट लगा देंगे। फिर से हल्का सा घी लगा लीजिए। अब ये देखिए, इसको शेप देने के लिए इस तरह से हम कट लगा देंगे। अगर आपसे ऐसे ना बने तो आप एक एक पीस लेके भी काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं एक एक पीस लेके, मैं आपको बता देती हूँ। पीस लिया हमने और इसको ऐसे कट करके अलग रख दिया और फिर इसको अलग रख दिया। ये देखिए, इस तरह से भी कट जाता है। अब हम इसको पूरा कट कर लेते हैं। ये देखिए, अब हम कढ़ाई में घी रख के इनको फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, गैस पर हमने कढ़ाई रख ली है, इसमें घी डाल लिया है एक कटोरी। गैस को अब स्लो कर देंगे। हमारी कढ़ाई का घी गर्म हो चुका है, अब इसमें हम इनको डालेंगे। डालने से पहले ऐसे निकाल लीजिए इनको। अब इसमें हम इनको डाल देंगे। ये देखिए, एक बार में हमने आधी डाल ली है, आधी दोबारा सेकेंगे। गैस को स्लो रखेंगे। देखिए, ऐसे हल्के हाथ से हम इनको हिला देंगे। अभी पलटिएगा नहीं, जब हल्की सी ब्राउन होगी नीचे से तब हम इनको पलटेंगे। ये देखिए, अब हम इनको पलट देंगे।
गैस हमारी स्लो है, वेनू हम थोड़ा और सेक लेंगे। इनको हल्के हाथ से ही हम पलटते जाएंगे। ये सॉफ्ट रहती हैं, एक साथ इनको नहीं पलट सकते। हल्की सी गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको सेकते हैं और गैस को स्लो ही रखते हैं। ये देखिए, अब हम इनको पलट देंगे, दोनों साइड से पलट कर सेक लेंगे ऐसे गोल्डन ब्राउन होने तक। मैदा है अंदर तक सिकना चाहिए और गैस को स्लो ही रखिएगा। अगर आप तेज गैस पर सेकेंगे तो वो अंदर से नहीं सिकेंगे। सारी खुरमी को हमने निकाल लिया है जो एक बार में डालनी थी, अब ये दोबारा डाल देंगे और इनको भी इसी तरह से सेक लेंगे। हमारी खुरमियाँ बनकर तैयार हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।